Getting you started on this edition with a plea that has now been filed in the Supreme Court, which seeks to declare talaq-e-hasan and all other forms of unilateral extrajudicial talaq as unconstitutional and void. The plea claims that these are arbitrary, irrational, and they violate fundamental rights. Now, the petition has been filed by a Ghaziabad resident, Benazir Hina, who is claimed to be a victim of this unilateral extrajudicial talaq-e-hasan. He's also sought a direction to the central government to frame guidelines for a neutral and uniform grounds of divorce. Now, Benazir Hina, who has now filed that petition in the Supreme Court, joins us on this broadcast. Thank you so much for speaking with us. Let me ask you, do tell us about what your petition really is and what it is that you're seeking from the court. मेरी जो पिटीशन है वो तलाके हसन पे है, जो तीन तलाक की दूसरी फॉर्म है तलाके हसन, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचलित था कि तीन तलाक जो है वो बैन हो चुका है। सबको, मेरे जैसे सभी को यही पता था कि तीन तलाक बैन हो चुका है। एक्चुअली में तीन तलाक बैन नहीं हुआ, वो तीन तलाक की एक फॉर्म थी जो बंद हुई है, जिसका नाम है तलाक बिद्दत। तलाके बिद्दत में क्या होता है कि जो हस्बैंड है, शौहर है वाइफ का, वो सामने बैठ के तलाक देता है वाइफ को, तलाक 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 एंड रिलेशन खत्म स्पॉइल। अच्छा, मेरे को जो मिली है वो दूसरी फॉर्म मिली है तलाके हसन। इसमें क्या होता है कि 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देगा। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो मुझे अप्रैल 22 को रिसीव हो चुकी है। उन्होंने अपने यहाँ से जो है 19th को रिलीज करी थी डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा उन्होंने मुझे तीन तलाक की पहली इंस्टॉलमेंट भेजी थी और सेकंड अब वो ये जो मई है इसमें भेज देंगे, जून में भेज देंगे। नाउ ही इज फ्री, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है वाइफ के लिए, बच्चे के लिए। तो इसके अगेंस्ट मैंने पिटीशन अपनी सुप्रीम कोर्ट में डाली है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के जो फॉर्म्स हैं वो बैन नहीं करे, उनको बैन कर दीजिए तलाक के, जिसमें लड़की की जो है जो लाइफ है वो स्पॉइल हो रही है। अभी भी तीन तलाक बैन हुआ। दूसरी चीज मैंने ये डाली है कि मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों ये सब भुगतना पड़ता है, और भी रिलीजियस की जो लड़कियां है उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदू है, जैन है, क्रिश्चियन है, सिख है, वो जो उस धर्म की लड़कियां है वहां पे तो इंडियन कानून जो है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी शादी पे लागू होता है। उनका जो पति है वो तो उनको नहीं छोड़ सकता ना। ऐसे जैसे मेरे पति ने मुझे ये स्टॉल तलाक भेज दी, उनका पति तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन जी आपके पिटीशन में आपने यूनिफॉर्म रूल्स के लिए भी मांग की है फॉर डिवोर्स फॉर ऑल रिलीजन्स। यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफी चर्चा हुई है इस देश में पिछले कुछ महीनों और सालों में इनफैक्ट, और काफी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जाने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका क्या ओपिनियन है यूसीसी के बारे में? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा है, खासतौर पे माइनॉरिटीज और मेरी जैसी लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मुस्लिम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। समझना चाहिए मुस्लिम्स को, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, कि जब वो डिवोर्स देने की जो प्रक्रिया है वो पूरे देश के लिए एक हो जाएगी। जैसे हिंदू लड़की का पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, और अगर डिवोर्स लेंगे तो दोनों अपने सहमति से, दोनों कपल लेंगे, दोनों अपनी रजामंदी से लेंगे, और वो कोर्ट के थ्रू लेंगे, भारतीय संविधान के थ्रू लेंगे। ऐसे नहीं कि मैं मेरे पति से 5 महीने दूर बैठी हुई थी और उसने वो 3 पत्रे कागज के भेज दिया और डिवोर्स हो गया। तो ये बहुत अच्छा है, मैं देश की सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगी कि एक देश एक कानून, समान नागरिकता ये लागू करना चाहिए। अगर ये पहले लागू हो गया होता तो बेनजीर हिना आज सर्वाइवर नहीं होती 8 महीने के बच्चे के साथ, और मैं तो अब सर्वाइवर हो गई, तो प्लीज मेरे जैसी और भी लड़कियों को सर्वाइवर मत बनाए।
जी बेनजीर जी, आप कह रही हैं कि आप जैसी काफी सारी ऐसे मुसलमान औरतें हैं जिनको चाहिए कि यूसीसी आए, जो यूनिफॉर्म कोड है या यूनिफॉर्म रूल्स हैं स्पेशली एज फार एज डिवोर्स इज कंसर्न, वो आए ताकि इक्वालिटी हो सबके लिए। बट काफी सारे पॉलिटिशियंस को भी ये लगता है कि ये सिर्फ एक जरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू पोलराइज द सोसाइटी और अपना एक एजेंडा फॉरवर्ड ले जाए। आपको लगता है कि वो सही है, वो जो असेसमेंट है ऑपोजिशन लीडर्स का या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इस देश में उनका जो असेसमेंट है वो सही है? ठीक है, महंगाई एक अलग इशू है, ठीक है, बेरोजगारी एक अलग इशू है, लेकिन किसी की जिंदगी तबाह होना ये इशू नहीं है। मैं अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे भी पूछ रही हूँ और जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं मेरा सवाल उनसे भी है। मेरी लाइफ अभी स्पॉइल हो रही है, ठीक है, मेरे साथ 8 महीने का बच्चा है, मैं बेघर हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए, मेरे पास मेरे पूरे बच्चे की पूरी जिंदगी पड़ी है, उसकी मेरे हस्बैंड ने कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं दी, मेरी कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं दी, अभी मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी और मेरे 8 मंथ के जो मेरा बेबी बॉय है उसकी जिंदगी का सवाल है। तो ये मुझे बता दीजिए, ये जरूरी नहीं है, ये मेन मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं कह रही हूँ, ठीक है, जो महंगाई होती है वो आज ज्यादा है कल कम है, ये भी एक मुद्दा है गरीबों के लिए, ठीक है, आप महंगाई कम कर दीजिए, सब पेट भर खाना खा रहे, सबको रोजगार मिल रहा है, लेकिन मुझ जैसी लड़कियां वो जिनके साथ ऐसा खेल हो रहा है उसका क्या? ये भी तो एक हिस्सा ही है ना, इसको भी तो साथ लेके चलना है, जो कोई प्रथा पहले से चली आ रही थी उसको खत्म नहीं करना है। अच्छा, अपोजिशन पार्टीज के लिए मैं बता दूं कि वो ना मुस्लिम्स मैटर में हाथ डालना नहीं चाहती हैं, उनको क्या लगता है ना कि मुस्लिम्स जो है वो हमारा वोट बैंक है, इनके यहाँ जो चल रहा है ना वो चलने दो, इनको छेड़ो मत, इनके यहाँ जो मुल्ला मौलवी की हुकूमत चल रही है ना वो चलने दो, जरा सा छेड़ेंगे ना वो अगेंस्ट हो जाएंगे और फिर हमारा वोट बैंक टूट जाएगा, क्योंकि मुल्ला, क्योंकि मुस्लिम्स में जो है मुस्लिम कम्युनिटी में मुल्लाओं का एकाधिकार है, अगर ऐसा नहीं होता तो अब ये कुप्रथा जो है वो बैन हो जाती, मुझ जैसी लड़कियां सुप्रीम कोर्ट के सामने दरवाजा नहीं खटखटाती, रोती नहीं, बिलबिलाती नहीं। तो मैं इस देश की नागरिक हूँ, मुझे ये अधिकार मेरे संविधान ने दिया है कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी, मैं सरकार तक भी जाऊंगी जी, और उनसे विनती करूंगी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस तरीके के घिनौने जो कानून बने हुए हैं धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो कानून बने हैं, प्लीज उन्हें खत्म करिए। जी, आपने ऑलरेडी बेनजीर जी सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका दर्ज की है, बट इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या अपेक्षा कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट से? हाँ, तो वही ना कि मुस्लिम समाज में तो ये होगा ना, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से कानून औरतों को दबाने के लिए बना रखे हैं, तो जब उनकी हुकूमत खत्म हो रही है तो वो तो बोल बिल बिलाएंगे ना मुल्ला, और जो मुल्ला लोग होते हैं वो अपोजिशन के हैं, कि जहां अपोजिशन पार्टी ने पहले मुल्लाओं से डील कर ली और मुल्लाओं ने कह दिया जी एक कम्युनिटी में जाके इसको वोट देना है, तो पूरा पूरा गांव जाके फिर उसको वोट दे रहा है। तो आज मेरा सवाल उस अपोजिशन से भी है, सरकार से भी है, कोर्ट से भी है कि मैं क्या करूं, मुझे बस इतना बता दो कि मेरे लिए क्या होगा, अब मैं क्या करूं ना, मेरे साथ तो वो मेरे पति ने ना ये खेल कर दिया, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दो बाकी की दो दे देगा, 5 महीने से उसने अपने बच्चे नहीं देखे, मुझे नहीं देखा, और इस तरीके से उसको ये पावर मिली हुई थी तभी तो उसने इसका फायदा उठाया ना, आप ये बताइए, उसको ये एक अधिकार मिला हुआ था तभी तो उसने इस चीज का फायदा उठाया ना, अगर ये चीज पहले भी बीजेपी से पहले जो और वो गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, वो खत्म कर देती तो मुझे रोना नहीं पड़ता, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, मुझे या मुझ जैसी लड़की को, मेरा सवाल सबसे है, मैं रो रही हूँ, मेरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, कौन खड़ा है मेरे साथ, अपोजिशन खड़ा है, सरकार खड़ी है, कौन खड़ा है मेरे साथ? जी, आई होप द सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन योर फेवर, देर विल बी मेनी वुमेन लाइक यू हु आर परहैप्स पिनिंग होप ऑन दिस पिटिशन एंड योर फाइट एंड विल गिव देम होप एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन टाइम्स नाउ।